और विशेष तौर पे जो हमारी बहनें, जो महिलाएं आज यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनको सलाम। देखिए, यहाँ पे इस मंच पे खड़े होके मेरे लिए कुछ बात रख देना बहुत आसान है, इस ठेके के खिलाफ बात कर लेना भी बहुत आसान है, लेकिन सही में जिनमें मादा है और सही में जिनमें संघर्ष करने की क्षमता है, वो आप लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ रहते हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, इस कार्यक्रम में आए हैं और इस ठेके के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, इसलिए आप सबको सलाम। दोस्तों, इस ठेके पे बहुत बात हो गई है, यहाँ की बहुत बात हो गई है, आप सबकी बात आई है, इसलिए मैं उसको फिर से रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन एक काम जो यहाँ के विधायक ने किया, शायद वो काम वो नहीं करते तो इनके पाप का जो स्तर है वो थोड़ा कम रहता। ठेका तो खुलवाया ही, और वो चाहे कितना भी कह ले कि उनकी मर्जी से नहीं खुला है, कपिल भाई इसकी पुष्टि भी करेंगे, दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी है उसमें ये नियम है कि स्थानीय विधायक की मर्जी के खिलाफ कोई भी सरकारी ठेका खुल ही नहीं सकता दिल्ली, तो खुला तो उनकी मर्जी से ही है। लेकिन उन्होंने जो खेल किया, जो पिछले 10-15 दिनों में जो खेल हुआ, जो ड्रामा हुआ, जो थिएटर हुआ, यहाँ पे ठेके को बंद करवाया गया आपकी बात सुनकर, और बंद एक ऐसे सेक्शन के तहत करवाया गया जिसमें बंद दरअसल सिर्फ 15 दिनों के लिए होता है, और आपको बताया गया कि मैंने ठेका बंद करवा दिया है आपकी बात सुनकर, और फिर वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने कह दिया नियम पढ़ के कि भैया आपने तो जिस नियम के तहत इसको बंद करवाया है उस नियम के हिसाब से ये 15 दिन से ज्यादा बंद हो ही नहीं सकता। तो ये जो धोखा देने की कोशिश हुई ना, मतलब कि ये मूल रूप से हम लोगों को और अपने यहाँ की जनता को मूर्ख समझते हैं, वही ये काम कर सकता है। या तो वो कहे कि मैं कोशिश कर रहा हूं बंद करवाने की, कहीं पे कोई रोड़ा आ रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, या फिर वो कहे कि नहीं मैं नहीं हटाऊंगा। ये ड्रामा करना, ये जो पिछले 10-15 दिनों में हुआ, ये सबसे बड़ा अपराध है। इसका मतलब ये कि ये शायद अपने इन लोगों की ताकत को समझते नहीं है, ये समझते नहीं है कि जिन लोगों ने उनको इस कुर्सी पे बिठाया है, 70 में 67 विधायक विधानसभा में, जिन लोगों ने इसको इस कुर्सी पे बिठाया है वही लोग इनके कान पकड़ के इनको नीचे उतार सकते हैं, ये समझ नहीं रहे। आप लोग अपने संघर्ष के जरिए शायद ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले 1.5 महीने से जो संघर्ष आप लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो एक यहां के ठेके की बात हो गई। कई और दोस्तों ने भी अपनी बात रखी कि बुराड़ी के बाहर, नथुपुरा चौक से दूर, दिल्ली में बाकी जगहों पे क्या स्थिति है। तो सच्चाई ये है कि ये स्थिति सिर्फ यहाँ की नहीं है, और ये दर्द सिर्फ आपका नहीं है, सिर्फ हमारा नहीं है, दिल्ली में हमारी जितनी भी भाई बहनें हैं, वो चाहे उत्तरी दिल्ली में हो, पश्चिमी दिल्ली में हो, दक्षिणी दिल्ली में हो, हर जगह ये समस्या है। और हमारे पास जब इस तरह से कई सारी शिकायतें आने लगी तो हमने जांच कराने की कोशिश की कि ये सही में कुछ छिटपुट 4-5-6 जगहों से ऐसी शिकायतें आ रही है, या कोई सरकार के स्तर पे, पॉलिसी के लेवल पे कोई ऐसा काम हो रहा है जिसके कारण लोगों को दिक्कत हो रही है। तो RTI फाइल किया गया, हमारे मुकेश भाई हैं अभी यहीं पे थे, उन्होंने RTI फाइल किया और RTI में जवाब आ गया कि 58 नए ठेके खुल गए इसी सरकार में। किस सरकार में? ये वो सरकार है जो हर बार कहती थी, और ये सरकार के वो मुख्यमंत्री है जो हर बार कहते थे कि कहीं पर भी शराब का ठेका खुलने से पहले वहां के स्थानीय लोगों की सहमति होना अनिवार्य होना चाहिए, और स्थानीय लोगों में भी महिलाओं की सहमति होना अनिवार्य होना चाहिए। यह आज से नहीं कहा जा रहा, यह आम आदमी पार्टी के बनने से पहले से कहा जा रहा। ये अरविंद केजरीवाल ने जो एक किताब लिखी जिसके वो लेखक हैं, स्वराज, उस किताब में कहा गया। ये जब 2013 में चुनाव लड़ा गया तो स्वराज बिल में लिखा गया, जिस स्वराज बिल के नाम पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद जब घोषणा पत्र बना 2014 लोकसभा का तो उसमें लिखा गया, जब 2015 में घोषणा पत्र बना तो फिर उसमें लिखा गया। हर भाषण में बोला गया कि शराब का ठेका कहीं पर भी जब खुले तो बिना स्थानीय लोगों की सहमति के, बिना स्थानीय महिलाओं की सहमति के नहीं खुलना चाहिए। तो ज्यादा दुखद ये है कि ये काम वो बीजेपी और कांग्रेस नहीं कर रहे हैं जिनसे शायद उम्मीद ही है,
मतलब वो करते हैं तो शायद ज्यादा आश्चर्य नहीं होता कि ये तो वो करते रहे हैं, लेकिन ये काम कौन कर रहा है जिस पार्टी का आधार ही इस वादे पर था, ये सबसे दुखद बात है। ये हो रहा है दिल्ली में। और उसके बाद जब आईटीआई की जानकारी सामने आई तो पता क्या किया इन्होंने, उस बात का जवाब देने की बजाय तिकड़मबाजी, खेल। इनके पास जितने भी आरटीआई सवाल पेंडिंग थे ना, अगले ही दो दिनों में इन्होंने सबको जवाब दे दिया। किसी को बोला कि दिल्ली में 217 खुल गए, किसी आरटीआई के जवाब में कह दिया कि दिल्ली में 72 खुल गए, किसी आरटीआई के जवाब में तो हमें कहा कि 58 खुल गए। सबको अलग 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 संख्या दे दी ताकि सब अपनी अपनी संख्या लेके चिल्लाए और लोगों को लगे कि देखो जी सब केजरीवाल को परेशान कर रहे हैं, वो काम कर रहा है और लोग उसको परेशान कर रहे हैं। मतलब आरटीआई में भी गुमराह करने की कोशिश, उस आरटीआई में जिस आरटीआई एक्टिविस्ट के सहारे ये पार्टी चल रही है। ये सारे आरटीआई एक्टिविस्ट ही तो हैं जिन्होंने पार्टी बनाई, वो लोग आरटीआई के स्पिरिट के साथ ही छलावा करने लगे। आज वो किया गया, उसके बाद क्या किया गया स्वराज अभियान के इस कैंपेन को कम करने के लिए, इस कैंपेन को फिजल आउट करने के लिए क्या किया गया, इन्होंने कहा कि जिस तरह बिहार में शराबबंदी की बात हो रही है उसी तरह दिल्ली में भी शराबबंदी की बात शुरू हो गई। दोस्तों मैं इसको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, हम लोग शराब के विरोध में बात अभी नहीं कह रहे हैं और हम लोग शायद शराब के ठेके के खिलाफ भी बात नहीं कर रहे हैं। देखिए जो लोग शराब के पक्ष में हो, जो शराब पीते हैं, जिनको लगता है कि शराब के ठेके होने चाहिए, आप अगर उनसे भी बात करें, किसी दोस्त ने कहा था कि जो खुद शराब पीते हैं वो क्या समझेंगे, मैं आपको बताता हूं जो खुद शराब पीते हैं उनसे भी आप पूछिए कि क्या किसी रिहायशी इलाके के पास वहां के स्थानीय लोगों से पूछे बिना क्या शराब का ठेका खुलना चाहिए, सवाल पूछ के देख लीजिए। कोई कितना भी बड़ा पियक्कड़ हो, कोई कितना भी बड़ा शराबी हो, और हम लोगों का तो अनुभव ये रहा है कि जो जितना पी रहा है वो उतना ज्यादा कसूरवार मान रहा है ऐसे ठेकों को, क्योंकि जो पीता है और जो नशे का शिकार हो चुका है वो अपराधी नहीं है, वो बीमार है, वो अपराधी नहीं है। अपराधी ये लोग हैं, अपराधी ये लोग हैं जो लोग सांठगांठ करते हैं जनप्रतिनिधि के साथ, अफसरों के साथ, सरकारों के साथ और इन बिजनेसमैन लोगों के साथ, ये अपराधी है, शराब पीने वाले लोग नहीं। तो हमारी ये बात थी दोस्तों। लेकिन आज आप लोगों ने जो पिछले 1.5-2 महीने से जिस संघर्ष को शंखनाद दिया है, उसकी आवाज को बुलंद किया है, उस आवाज में मैं जोड़ना चाहता हूं कि देश के सबसे कद्दावर वकील श्री प्रशांत भूषण का साथ आपको पूरी तरह से है। प्रशांत भूषण हर कदम पे आपके साथ है, योगेंद्र यादव हर कदम पे आपके साथ है, अभी अजीत जी आएंगे अपनी बात रखेंगे, हमें बताएंगे आगे का राह, हमारा आगे की राह क्या हो, हम कैसे इस मुहिम को कैसे आगे ले जाए। और इतना आज शायद हम लोग आश्वस्त हो चुके हैं यहाँ की ऊर्जा को देखकर कि ये मुहिम की अगर सुनवाई नहीं होती, जो बातें हो रही है, ठेका अगर यहाँ से नहीं हटाया जाता तो ये आंदोलन का रूप लेने से इसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितनी भी तिकड़मबाजी हो जाए, चाहे कितना भी खेल हो जाए, चाहे कितनी भी धमकियां दी जाए, चाहे कितना भी डराने की कोशिश की जाए आपको। तो दोस्तों आप सबको सलाम करते हुए मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, धन्यवाद दोस्तों।